नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल पहुंचे, जहां पर करोड़ों रुपए की लागत से पुलिस विभाग के कई भवनों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इसी क्रम में और सीधी जिले के बहरी थाना के हाईटेक नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी वर्चुअल माध्यम से किया है। वहीं बहरी थाने के नवनिर्मित भवन में वर्चुअल लोकार्पण के दौरान सीधी न्यायाधीश सीधी कलेक्टर मुजीब उर रहमान खान, पुलिस अधीक्षक सीधी मुकेश कुमार श्रीवास्तव, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल नामदेव, धोटे सिहावल एसडीएम नीलांबर मिश्रा सहित थाना प्रभारी अमिलिया केदार परोहा, एसडीआरएफ के प्लाटून कमांडर मयंक तिवारी, यातायात थाना प्रभारी भागवत प्रसाद पांडे सहित सभी थानों का पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं पर वर्चुअल लोकार्पण के समापन के पश्चात सीधी पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा फीता काटकर नव निर्मित हाईटेक भवन का शुभारंभ किया गया। एविडेंस की ओर विशेष ध्यान देना, विशेष रूप से हमें ऐसे साइंटिफिक एविडेंस की ओर प्रवृत्त होना है जिससे हम गुनाहगारों को सजा करा सकें। तो हम लोग भी निश्चित रूप से उस ओर प्रयास करेंगे और भरपूर ऐसे एविडेंस एकत्रित करके कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, कुछ थाने जैसे ये बड़ी थाना हाईटेक हो गया जी, जमुई थाना जो आज भी पंचायत भवन में लगता है, उसके लिए भी क्या कुछ कोई ऐसी नहीं, उसके लिए भी प्रस्ताव भेजा हुआ है। जमुई का भी हमारे यहाँ पे उसका बनना है, जमुई थाना भी बनना है, साथ में महिला थाना भी बनना है और कुछ और चौकियाँ भी बन चुकी हैं, उसका भी हम लोग बहुत जल्दी लोकार्पण कार्यक्रम करने वाले हैं। सर, नवड़िया आवास में आज 7 साल से कर्मचारी रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अभी तक आवागमन सुनिश्चित सड़क नहीं और फिर भी बरसातों में कई दिक्कतें आती हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था? नहीं, हम लोगों ने अभी माननीय विधायक जी, जो हमारे सीधी विधायक, एक अत्याधुनिक थाना बहरी का आज लोकार्पण हुआ है। इसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रमों से हुआ है और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में और माननीय गृह मंत्री जी के जो नरोत्तम मिश्रा जी हैं विशिष्ट आतिथ्य में, हमारे डीजीपी सर की उपस्थिति भोपाल में हुआ है। इन सभी अधोसंरचनाओं का, जैसा आप सभी ने सुना है, एक साथ सभी का लोकार्पण कार्यक्रम, कुछ शिलान्यास कार्यक्रम हुए। निश्चित रूप से एक बहुत बेहतरीन थाने के रूप में इसमें बहुत सारी सुविधाएँ हैं हमारे पुलिसकर्मियों के लिए और बहुत सारे कक्ष भी हैं जिससे हम लोगों को कार्य करने में बहुत आसानी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने आज कुछ बहुत सारी नई बातें की है जो कि आज के आधुनिक युग के क्षेत्र में बातें की, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज के जो हमने माननीय केंद्रीय